वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? क्या आप लोग सब खैरियत से होंगे? मैं हूं शगुफ ताली और वोकेशनल लर्निंग सदर में आपको वेलकम करते हैं। सो गाइस, आज हम वेब डेवलपमेंट के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड गो थ्रू करने जा रहे हैं। इट्स अ फोर इजी CSS होवर इफेक्ट और ये बहुत ही अमेजिंग जो है आज का ट्यूटोरियल है। सो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, गुड कमेंट पास करना मत भूलिएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, इट्स गोना वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। सबसे पहले गाइस, हम कलर चेंज और इनवर्स मैथड आज हम करेंगे और आज हम चार मेथड ऐसे गो थ्रू करने जा रहे हैं जो कि बटन होवर इफेक्ट के ऊपर आप इम्प्लीमेंट करना चाहें अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर तो आप कर सकते हैं। सबसे पहला हमारे पास कलर चेंज और इनवर्स। ठीक है गाइस, तुम्हारे पास जो पहला मेथड है वो आज हम उसको, बल्कि हम सारे मेथड को गो थ्रू करेंगे वन बाय वन। सो फर्स्ट वन इज़ दिस वन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मैं यहाँ पर HTML के अंदर जो एक H1 ले रही हूँ और H1 के अंदर मैं एक टेक्स्ट लिखूँगी होवर मी। ठीक है जी, इसी के साथ साथ मैं एक नीचे बटन गेट करूँगी और उस बटन के अंदर मैं टेक्स्ट लिख दूँगी होवर प्लीज़। ठीक है गाइस, ओके, पहले वाली की हेडिंग मैंने राइट डाउन कर दिया, अब मैं इसको हटा रही हूँ क्योंकि मुझे बताना था कि व्हाट वी आर गोइंग टू क्रिएट राइट नाउ। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ओके फाइन, ताकि क्लियरली दिखे। सो मूव ऑन द CSS, सबसे पहला जो है वो होवर इफेक्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले H1 जो हमने, क्योंकि मैंने H1 इसलिए हटाई क्योंकि मैंने ऑलरेडी H1 दी हुई है तो वो इसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो फॉन्ट फैमिली यहाँ पर रख लेते हैं सेंस सेरिफ, इसी के साथ साथ ट्रांजिशन रख लेते हैं हम 0.5 सेकेंड्स। ठीक है जी, इसी के साथ साथ H1 पे जो हेडिंग पे हमने होवर का इफेक्ट इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाना है, सिंपल ईजीएस्ट मेथड किस तरीके से होगा तो वो बताने जा रही हूँ। सिर्फ कलर चेंज कर देंगे हम उसमें, हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रही हूँ मैं कलर कोड। सो कलर कोड हमारे पास है 2A9D@F। ओके जी, नाउ मूव ऑन। अब हम आ जाते हैं अपने बटन पे जो हमने बटन क्रिएट किया है और इस बटन पे सबसे पहले वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द बॉर्डर रेडियस। सो बॉर्डर रेडियस हम 5px इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। विड हम रख देते हैं इसकी 150px। इसी के साथ साथ हम इसकी हाइट रख देते हैं 50px एंड देन फॉन्ट फैमिली आप कुछ भी रख लें, मैं यहाँ पर सेंस सेरिफ ही दे रही हूँ, अदरवाइज आप इंटरनेट से भी फॉन्ट फैमिली डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम कलर अप्लाई कर देते हैं। सो कलर कोड मैं ये रख देती हूँ 2A9D@F। ठीक है, इसी कलर कोड को हमने यहाँ इम्प्लीमेंट कर दिया है। सो बैकग्राउंड कलर हम जो है वो वाइट कर देते हैं गाइस। इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द बॉर्डर कलर। तो बॉर्डर कलर के ऊपर हम यही कलर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ठीक है गाइस, सो नाउ मूव ऑन दी बटन होवर राइट नाउ। सो बटन पे अब हम होवर इफेक्ट इम्प्लीमेंट कर देते हैं और लेट्स सी द रिजल्ट। बैकग्राउंड कलर हम यही रखेंगे, दिस वन। इसी के साथ साथ हम कलर फॉन्ट का जो है वो वाइट कर देते हैं, ओके, एंड देन ट्रांजिशन हम रखते हैं 0.3 सेकेंड्स, इट्स क्वाइट एनफ। ठीक है जी, सो गाइस इसका रिजल्ट गो थ्रू करते हैं, लेफ्ट क्लिक एंड रेवल करते हैं इसको। सो नाउ रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू, पहले होवर, अच्छा यहाँ पे कर्सल पॉइंटर में करना चाहें तो कर लेते हैं,
यहाँ पर भी हम कर्सर को पॉइंटर में कर देते हैं। सिंपल करना क्या है, सीसीस पर आते हैं, यहाँ पर कर्सर पॉइंटर रख देते हैं एंड हेडिंग के ऊपर भी हम कर्सर को पॉइंटर रख देते हैं। ठीक है जी, सो रिजल्ट कुछ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि वो कर्सर आ रहा है तो वो अच्छा नहीं लग रहा, दैट्स व्हाई आई एम गोना चेंज दिस नाउ। सो आई होप पहला वाला क्लियर हो गया होगा नाउ, क्योंकि हमने फोर स्टाइल्स पढ़ने हैं, मूव ऑन दी नेक्स्ट स्टाइल टू क्रिएट द सेकंड वे ऑफ होवर इफेक्ट। सो यहाँ पर जब हम इफेक्ट इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, इट्स अ बॉक्स इफेक्ट, और ये भी माउस कर्सर ले जाने पे आपका होवर इफेक्ट इम्प्लीमेंट करेगा। सबसे पहले हम यहाँ पर एक बॉक्स की क्लास बना लेते हैं, और क्लास के अंदर, बल्कि क्लास के बाहर आ जाएं, और इस क्लास के बाहर जो है यू कैन क्रिएट एन अदर सेकेंड बॉक्स, इसका नाम हम सेकेंड बॉक्स रख देते हैं। और क्योंकि स्नैक है तो मैं कैमल है तो मैंने यहाँ पर बी जो है वो कैप्स लॉक में लिखा है, सेकंड बॉक्स। ठीक है, तो एट दैट टाइम आई हैव अ टू क्लासेस राइट नाउ। अब हम चलते हैं सीएसएस की साइड पे, और सीएसएस में सबसे पहले गाइस वी आर गोइंग टू राइट ऑन दी एचटीएमएल। अच्छा, ये जो सीएसएस था ऑब्वियसली ये जो हमने पहले बटन बनाया था उसका था, उसका रिमूव कर देते हैं और सेकेंड वाले पर आ जाते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो है एचटीएमएल, एंड देन आप कॉमा पुट कर लें। आई जस्ट राइट इन अ प्रॉपर वे HTML कॉमा, एंड देन यू कैन राइट हियर द बॉडी। ये जो है वो दोनों के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगी, सो विद इट्स कॉल्ड द 100%, एंड वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट एज वेल एज हाइट भी हम 100% ही इसकी गेट कर लेते हैं, लाइक इन दिस वे। इसी के साथ साथ अब जो अलग से बॉडी पे इम्प्लीमेंटेशन करनी, जो HTML पे नहीं करनी, वो टैग्स मैं यहाँ पर ओपन कर रही हूँ, एंड देन उसकी प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पर राइट डाउन कर देते हैं। डिस्प्ले हमें ऑब्वियसली फ्लैक्स में रिक्वायर्ड है, और इसी के साथ साथ गाइज वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द अलाइन आइटम एज वेल सेंटर्ड। बहुत दफ़ा आपने फ्लैक्स बॉक्स में यूटिलाइज किया है, यू नो वेरिएबल जस्टिफाई कॉन्टेंट एज वेल एज यू कैन टैग इन द सेंटर्ड, इसको भी हम सेंटर में रख लेते हैं। इसके बाद है गैप, गैप को हम नॉर्मली अमंग पिक्चर्स 10px रख लेते हैं, सॉरी आई जस्ट राइट हियर द गैप। ओके, सो गैप को हम 15% रख लेते हैं, या आई थिंक 10% इज क्वाइट एनफ। ठीक है जी, इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द बॉक्स एज वेल एज दोनों बॉक्सेस के ऊपर, एक बॉक्स पे कॉमा लगा दें और एक सेकंड बॉक्स पे, दोनों पे इम्प्लीमेंटेशन करनी है आपने। सो ओपन द ब्रैकेट राइट नाउ, सो इम्प्लीमेंट द बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस के अंदर वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द 5px, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द विड्थ। बॉक्स की विड्थ हम 200px रख रहे हैं, एंड देन एज वेल एज हाइट भी हम 200, यू कैन डू इक्वल बनाएंगे, दैट्स वाई 200px हाइट रख लेते हैं। इसके बाद बैकग्राउंड साइज हम कवर कर देते हैं, बैकग्राउंड साइज को हम यहाँ पर कवर कर देंगे। सो इम्प्लीमेंट हेयर द बैकग्राउंड इमेज, तो यहाँ पर अब हम बैकग्राउंड इमेज का URL प्रोवाइड करेंगे गाइज, और URL हम यहाँ पर दे देते हैं। मैंने फिलहाल अपने सिस्टम में 2-3 पिक्चर्स लेके रखी हुई, आप भी अपने पास जो है वो पिक्चर इंस्टॉल कर लीजिएगा। VP नहीं, JPEG इज़ द करेक्ट फॉर्मेट, तो मैं वो फॉर्मेट लूँगी जो मेरे फॉर्मेट को सपोर्ट कर देगा, तो मैं यहाँ पर JPEG ले लेती हूँ। ठीक है जी, एंड देन यहाँ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द ट्रांजिशन एज वेल एज, ट्रांजिशन हम रख लेते हैं यहाँ पर 0.4 सेकेंड, इट्स क्वाइट एनफ। ओके जी, मूव ऑन, इसके बाद हम बढ़ते हैं बॉक्स होवर की साइड पर, और अब हम यहाँ पर बॉक्स होवर की प्रॉपर्टीज इम्प्लीमेंट करेंगे व्हेन योर कर्सर, क्योंकि बाद ही हम यही करेंगे। अब जो आज हमने जो भी चीज़ें कवर करी हैं, चार वेज हम डिफरेंट डिफरेंट वेज को गो थ्रू कर रहे हैं, तो वो फोर वेज ही आपको इंडिकेट करें कि व्हेन यू टेक योर माउस एंड होवर ऑफ एनी पिक्चर, तो उस पर फिर क्या इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो ये चीज़ें हम आपको इस आज के लेक्चर में गो थ्रू करा रहे हैं। सो बॉक्स शेडो में 20px
एंड देन 20px रख रही हूँ एंड देन वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट कलर कोड फॉर द कलर. तो यहाँ पर मैं कलर कोड ले लेती हूँ एंड 6E. ओके सो आई हैव द कलर. इसी के साथ साथ अब हम आ जाते हैं गाइज सेकेंड बॉक्स की प्रॉपर्टी की साइड पर और हम यहाँ पर सेकेंड बॉक्स गेट कर लेते हैं. और सेकेंड बॉक्स के अंदर वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट एन अदर पिक्चर और मैं सेम यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज प्रोवाइड कर देती हूँ. और यहाँ पर अगेन वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द URL और UR पर मैं एड्रेस पिक्चर का यहाँ पर दे देती हूँ JPEG के अंदर. ठीक है जी, पिक्चर्स हो गई हमारे पास, सेकेंड बॉक्स भी क्लियर हो गया. अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट सेकेंड बॉक्स होवर पे. सो सेम लाइक दैट सेकेंड बॉक्स सूडो इम्प्लीमेंट कर दें आप होवर. यहाँ पर भी आपने बॉक्स शेडो इम्प्लीमेंट करना है और बॉक्स शेडो पर आ जाते हैं. सो बॉक्स शेडो इज लुक लाइक 5px एंड देन अगेन दी 5px और यहाँ पर हम 10px इसकी प्रॉपर्टी को गेट कर लेंगे. कलर कोड हम नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर. सो रिजल्ट गो थ्रू करते हैं गाइज. सो लेफ्ट क्लिक करते हैं एंड इसको रन करा के चेक करते हैं रिवल इन दी एक्सप्लोरर. टर्मिनल को मैं बंद कर देती हूँ. लेफ्ट क्लिक एंड ओपन विद फायरफॉक्स. सो रिजल्ट गाइज देखते हैं कैसा. अच्छा आपको मैंने पहले ही बताया था कि इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज द कर्सर और द पॉइंटर तो फिर आप प्रॉपर्टी कर्सर पॉइंटर की एड ऑन कर सकते हैं. यहाँ पर मैंने नहीं करी है. नाउ यू कैन सी द इफेक्ट इज लुक लाइक दैट एंड वॉट अ रिजल्ट. एंड द सेकेंड इज नाउ यू कैन सी रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू. तो ये हो गया बॉक्स शैडोइंग इफेक्ट जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट हम जो पढ़ने जा रहे हैं अंडरलाइन टेक्स्ट और ये भी दो मैथड्स हम आपको क्लैरिफाई करेंगे. सिंगल मैथड करेंगे बट बताएंगे कम्प्लीटली इन डेप्थ के अंदर आपको. सो यहाँ से मैं अब इस कोड को वैनिश कर रही हूँ. ठीक है जी, मूव ऑन द अंडरलाइन टैग्स और अब हम आ जाते हैं बॉडी में अगैन और यहाँ पर अब हम बनाते हैं अंडरलाइन टैग. सबसे पहले गाइस मैं H1 की एक हेडिंग यहाँ पर ले लूँगी और हेलो यहाँ पर एक वर्ड लिख देते हैं हम हेलो शगुफ्ता. ठीक है जी, इसी के साथ साथ अब हम आ जाते हैं CSS पे और CSS पे सबसे पहले हम HTML कॉमा लगा के बॉडी इन दोनों के अंदर एक प्रॉपर्टी गो थ्रो करनी है हमने. तो वो हम यहाँ पर कर लेते हैं HTML कॉमा बॉडी और वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट. सो अगेन विद हम यहाँ पर ऑब्वियसली 100% ही रख लेते हैं. सो यहाँ पर मैं विद 100% रख लेती हूँ. इसी के साथ साथ मैं अगेन यहाँ पर हाइट भी 100% ही रख लेती हूँ. ठीक है, जिस लुक लाइक दैट. मूव ऑन दी नेक्स्ट. अब हम आ जाते हैं बॉडी के टैग पर और यहाँ पर डिस्प्ले को हम फ्लैक्स कर देते हैं. इसी के साथ साथ हम अलाइन आइटम जो है वो सेंटर्ड एंड जस्टिफाई कंटेंट को भी आप सेंटर कर दें. एंड फॉन्ट फैमिली आप कुछ भी रख लें. फिलहाल हम वी आर गोइंग टू गेट सैन सैरिफ. नॉर्मली मैं सैन सैरिफ फॉन्ट ही यूज़ करती हूँ अपने जितने भी काम में, आपने देखा होगा. अब यहाँ पर हम सूडो क्लास इम्प्लीमेंट कर रहे हैं गाइज आफ्टर और इस आफ्टर की क्लास के अंदर सबसे पहले कॉन्टेंट ले लें आप एम्प्टी और कॉन्टेंट के बाद विद हम रख देंगे 0px. इसी के साथ साथ ट्रांजिशन हम रख देते हैं 0.4 सेकेंड होल्ड करा देते हैं एंड देन डिस्प्ले इसको हम ब्लॉक पे ले जाते हैं. ठीक है, और इसी के साथ साथ अगेन अब H1 होवर पे भी आफ्टर इम्प्लीमेंट करेंगे और यहाँ पर विथ को हम 100% कर देते हैं लाइक इन दिस वे. इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द बॉर्डर. सो बॉर्डर हम रख देते हैं बॉर्डर सॉलिड 0.5px.
ठीक है गाइस, सो चेक करते हैं रिजल्ट क्या है इसका। जीरो में ज़रा मैं स्पेस दे दूँ, लाइक इन दिस वे। ठीक है जी, सो लेफ्ट क्लिक करते हैं, रिवर्ल करवाते हैं इसको, एंड गोइंग टू सी व्हाट द रिजल्ट। सो टेक योर कर्सर फ्रॉम हेयर, नाउ इट्स लुक लाइक दैट। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि मैं होवर इफेक्ट के अंदर अपने कर्सर का जो पॉइंटर है उसको चेंज करना चाहती हूँ, तो यहाँ पर मैं इसका कर्सर जो है वो कर्सर बिकम दी पॉइंटर व्हेन यू आर होवर। सो होवर पेन मोस्टली जो है वो यही प्रॉपर्टी रखी जाती है, जहाँ नहीं रखी है हमने आपको मैंने बता दिया, यू कैन होल्ड इट। ओके जी, सो यहाँ तक हमारा काम फिनिश हो गया है। सो मूव ऑन दी नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हम गो थ्रू करने जा रहे हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इट्स अ डिस्क्रिप्शन होवर इफेक्ट। सो उसको भी हम गो थ्रू करते हैं। सो बढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन की साइड पे। सबसे पहले यहाँ पर कुछ क्लासेस बनानी है हमने, तो यहाँ पर सबसे पहले हम होवर डिफ की क्लास बनाएंगे। सो यहाँ पर मैं एक होवर डिफ की क्लास ले लेती हूँ एंटर करके, और इसी के अंदर अंदर मैं एक क्लास अगेन क्रिएट करूँगी जो है शॉर्ट फॉर्म डिक्रीज की। इसी के अंदर गाइज हम एक H2 गेट करेंगे और उस H2 को यहीं पर क्लोज कर देंगे। यहाँ पर मैं नाइस नेचर एक टेक्स्ट राइट डाउन कर दूंगी। ओके, इसी के साथ साथ अब यहाँ पर कुछ, क्योंकि मैंने क्या बताया था डिस्क्रिप्शन का, तो यहाँ पर कुछ टैग्स ऐड कर देते हैं इन अ पैराग्राफ सेंस। सो यहाँ पर फिलहाल तो हम लॉरेम ऐड कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से जो भी टैग्स ऐड करना चाहे कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ इन सबसे बाहर आके आप एक H2 की हेडिंग बना देंगे, और वहाँ पर आपने क्लास ऐड करनी है वर्ड की, और यहाँ पर हम टेक्स्ट लिख देते हैं इंडल्गो। ठीक है जी, सो मूव ऑन दी CSS। सबसे पहले आपकी जो क्लास है आप उसको कॉल कर देंगे डेस्क की, और यहाँ पर ओपेसिटी जो है वो 0% रखेंगे आप। एंड आफ्टर दैट यू कैन इम्प्लीमेंट बैकड्रॉप फिल्टर इम्प्लीमेंट कर देंगे हम। ब्राइटनेस को हम यहाँ पर 35% होल्ड करा देते हैं। ठीक है गाइस, इसी के साथ साथ बैकग्राउंड इमेज रेड कलर। ओके, इसी के साथ फॉन्ट कलर हम यहाँ पर वाइट रख देते हैं। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट हाइट 60%। इसी के साथ साथ ट्रांसलेट वाई एंड 85% इसको हम रोटेशन प्रोवाइड कर देते हैं। देन ट्रांजिशन इम्प्लीमेंट कर दें, सॉरी ट्रांजिशन के अंदर वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट 0.3 सेकेंड्स। इसके बाद होवर डिफ की क्लास ओपन कर लेंगे, एंड देन ओबियसली उस पर होवर आप कर्सर लेके जाएंगे, और यहाँ पर डिफ की क्लास भी दोनों को एक साथ ऐड कर लेते हैं। ओपेसिटी 100% हो जाएगी इसकी। सो नाउ मूव ऑन, अब यहाँ पर नाइफ क्लास इम्प्लीमेंट कर देते हैं वर्ड की, और यहाँ पर वर्ड के साथ बिफोर की क्लास को ऐड कर देते हैं। ओके, यहाँ पर मैं इसको इंटर कर रही हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ द कंटेंट, जो कंटेंट आप प्लेस करना चाहते हैं। सो यहाँ पर मैं इस कोटेड में टेक्स्ट राइट डाउन कर दूंगी टू एंजॉय प्लेजर ऑफ। ठीक है जी,
इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट डिस्प्ले ब्लॉक. सो इम्प्लीमेंट द बैकग्राउंड कलर इन अ ग्रे. सो फॉन्ट कलर इम्प्लीमेंट कर देंगे गाइस वाइट. इसी के साथ साथ फॉन्ट साइज 15px रख लेते हैं इसका. एंड आफ्टर दैट मार्जिन लेफ्ट हम मार्जिन ओके मार्जिन लेफ्ट हम 30px रख देते हैं. सो पैडिंग हम 3px होल्ड करवा देते हैं. सो इम्प्लीमेंट द बॉर्डर रेडियस 3px एंड द फिल्टर इट्स ओपेसिटी 0%. एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट ट्रांजिशन 0.3 seconds. ठीक है जी. इसी के साथ साथ इम्प्लीमेंट द नेक्स्ट क्लास डॉट वर्ड. लेट मी चेक मैं कुछ भूल गई हूँ. ठीक है. डॉट वर्ड होवर. इसके बाद बिफोर की क्लास मेंशन करेंगे. एंड यहाँ पर गाइस वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द फिल्टर और ओपेसिटी हम इस पे 100% की मार्क कर देंगे. ठीक है जी. सो रिजल्ट देखते हैं और रिजल्ट दिखाते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है इसका भी. सो लेफ्ट क्लिक करते हैं और रिवील करते हैं रिजल्ट को. सो गाइस रिजल्ट आपके सामने जैसे कर्सर आ रहा है आपका यहाँ पर पिक्चर टैक्स और इम्प्लीमेंटेशन हो गई है. ठीक है. जैसे ही आप कर्सर होवर हटा रहे हैं वैसे ही आपका टैक्स इम्प्लीमेंट हो जाता है. सो आई होप लेक्चर क्लियर हो गया होगा. इट्स अ वेरी ईजीएस्ट है वैन यू होवर एंड पिक्चर आपके सामने टैक्स के साथ अपेयर हो रही है. सो आई होप लेक्चर क्लियर हो गया होगा. वीडियो को लाइक करना शेयर करना और गुड कमेंट पास करना मत भूलिएगा. वी नीड ऑल योर सपोर्ट एंड लव. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव एक्साइटिंग ट्यूटोरियल के साथ. जब तक अल्लाह हाफ़िज़.